हेलो ट्वेल्थ वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास सफलता की क्लास आज की क्लास में इनविटेशन रिप्लाई एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल को बहुत आसानी से सीखकर कर फोर मार्क्स पक्के करेंगे इस सैंपल क्वेश्चन की हेल्प से इनविटेशन रिप्लाई देना सीखते हैं आप मानस मानसी हैं आपको ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल केरला के एनुअल फंक्शन में ट्वेंटी में 2023 को इवनिंग फाइव ओ पर चीफ गेस्ट बनकर आने का इन्विटेशन मिला है आपको एक्सेप्टेंस मींस आप फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं या रिफ्यूज़ल मींस आप फंक्शन में नहीं आ रहे हैं कंफर्म करते हुए 50 वर्ड्स में रिप्लाई सेंड करना है क्वेश्चन पढ़कर यह आइडिया लेना होता है फॉर्मल रिप्लाई सेंड करना है या इनफॉर्मल रिप्लाई सेंड करना है क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आता है कोई फैमिली फंक्शन या सेलिब्रेशन नहीं है इट मीन्स इनफॉर्मल रिप्लाई हमें देना है आज की क्लास में इनफॉर्मल रिप्लाई के एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल को सीखेंगे और पार्ट टू में पार्ट टू में फॉर्मल रिप्लाई के एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल को सीखेंगे सो स्टे इन टच पार्ट टू का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया जाएगा रिप्लाई को लेटर फॉर्मेट पर सेंड करते हैं सबसे पहले सेंडर एड्रेस यदि क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब सेल्फ ही क्रिएट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भी सेंडर का एड्रेस मेंशन नहीं है तब सेल्फ क्रिएट करते हैं सेक्टर फाइव साहित्य नगर न्यू डेली आफ्टरवर्ड्स वन लाइन स्किप करनी है डेट थर्टी अप्रैल टू जीरो ट्वेंटी थ्री अगेन वन लाइन स्किप करनी है रिसीवर्स एड्रेस विद डेजिग्नेशन द प्रिंसिपल ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल केरला अगेन वन लाइन स्किप करनी है छोड़नी है सब्जेक्ट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन देन सेल्यूटेशन सर ऑब्लिक मैडम अगेन वन लाइन स्किप करें ना कंटेंट कंटेंट में इवेंट नेम और इवेंट की सभी डिटेल डेट टाइम वेन्यू के साथ साथ वन एंड टूज स्पेसिफिक लाइन ऐड करनी होती है. आगे हैं आगे समझते हैं देन थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द चीफ गेस्ट for an annual function in bluebird public school kerala on this date at this time now ab ye specific lines hain i feel honored to accept the same humne yahan accept kar liya hai please accept my best wishes in advance with regards again एक लाइन स्किप करेंगे योर्स ट्रूली योर्स सिंसेरली मानस मानसी जिन्होंने भी इस रिप्लाई को सेंड किया है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसको कहते हैं देन एक बात यहाँ समझने की है ये जो स्पेसिफिक लाइंस हैं इनको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं रटना नहीं है समझना है भाई एक कन्फर्मेशन का ही तो हमें अप्लाई सेंड करना है इट्स माई प्लेजर टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू एक्सेप्ट द सेम आई वुड लव टू ज्वाइन दिस इवेंट आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई प्रेजेंस कुछ बातें यहाँ समझने वाली हैं रिप्लाई को फर्स्ट पर्सन में राइट किया जाता है फिफ्टी वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है यू ही शी इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है याद रखना है फर्स्ट ही पर्सन में राइट किया जाता है बॉक्स में से इंक्लोज नहीं किया जाता है डेट टाइम वेन्यू इवेंट नेम एक्सेप्टेंस वाले केस में सब कुछ मेंशन करना होता है स्पेलिंग एरर ना हो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो एज परफॉर्मेंट ऐसे ही आपको राइट कर देना है बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए फैंसी वर्ड्स का यूज़ ना करें अंडरस्टूड गॉट इट नाउ इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल आप फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं चीफ गेस्ट बनकर नहीं आ पा रहे हैं सेम एज सेंडर्स एड्रेस डेट रिसिवर्स एड्रेस विद डेजिगनेशन सब्जेक्ट वहाँ था एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन यहाँ हो जाएगा डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन सर मैडम देन थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू बी द चीफ गेस्ट फॉर एन एनअल फंक्शन बस यहाँ बात ध्यान देने की है इसमें जो हम रिफ्यूज़ल वाला रिप्लाई सेंड करेंगे उसमें सिंपल इवेंट का नेम मेंशन किया जाता है उसकी डिटेल मेंशन नहीं की जाती है डे टाइम वेन्यू कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है और स्पेसिफिक जो लाइंस हैं वो रीजन के साथ ऐड कर दी जाती हैं आई फील ऑनर्ड भाई मुझे बहुत सम्मानित सा गर्व सा फील हुआ है बट सॉरी टू से आई कैन नॉट अटेंड इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क ऑन द सेम डे उस दिन कोई ऐसा वर्क है जिसे अवॉइड नहीं कर सकते यहाँ आपने एक अपना रीजनिंग पुट कर दिया रीज़न जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेष विद रिगार्ड्स अगेन योर ट्रूली और योर सिंसेयरली मानस एंड मानसी यहाँ भी सेम एज़ क्रैमिंग नहीं करनी है रटना नहीं है सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं सॉरी टू से आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे सो आई कैन नॉट अटेंड क्लियर और यू कैन से सॉरी टू से ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ आई एम नाट आई कॉन्ट अटेंड इट अंडरस्टूड सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में विदाउट स्पेलिंग एरर ग्रामिटिकल एरर इसको हम राइट कर देते हैं कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न देन मुझे कमेंट में राइट करें पार्ट टू को देखना नहीं भूलना है पार्ट टू में हम फॉर्मल रिप्लाई के दोनों एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल को सीखेंगे गॉट इट इन्विटेशन की फुल डिटेल वीडियो और नोटिस राइटिंग की फुल डिटेल वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आज की क्लास अगर फ्रूटफुल रही है लाइक करें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं तो द बेल आइकन से सब्सक्राइब भी करें यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन गॉड ब्लेस यू ऑल